हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हम स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है IIT मेंस लेवल पे उसको स्टडी कर रहे थे और उस आर्टिकल में बहुत से आर्टिकल्स हमने स्टडी किए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो IIT मेंस पे बेस्ट जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट है उस पे बेस्ट है। तो चलो देखो, आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, तो चलो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये कॉन्सेप्ट क्या होती है सबसे पहले हम इसे स्टडी करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपका बेस कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर आप आसानी से कोई भी आर्टिकल या कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्या चीज़ है इसे समझेंगे। पहले सबसे पहले हमने क्या लिया, ए जनरल लाइन ली। क्या है इक्वेशन इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन एश्यूम की। तो चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पॉइंट पी लेंगे। पी है एक्स वन वाई वन। तो चलो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ये हमने स्टडी किया है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाइन के ऊपर है या लाइन के ऊपर नहीं है, ये कैसे डिसाइड करना है ये हमने पहले भी स्टडी किया है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो हम इसका जो रिफ्लेक्शन है इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो ज़रूरी क्या है, जो पॉइंट है जिसका रिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है वो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया और पी पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है। सो लाइन के ऊपर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह से चलो देखो हमें क्या मिलेगा, ये कंडीशन मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन के अक्रॉस मतलब क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। तो इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन तक हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा क्या है आपके, अल्फा बीटा आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स वन वाई वन ऑन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। तो लाइन ली, जनरल लाइन ली, पॉइंट लिया, पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है तो पॉइंट से हमने लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो अच्छे से देखो उसी परपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो इस, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर हमने क्या बोला, क्यू बोला, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक और पॉइंट लेंगे P डैश, क्या होगा एक्स वन डैश वाई वन डैश, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, यच के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यच के। तो क्या किया, अच्छा देखो P पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। तो हमने P चेक किया, लाइन के ऊपर नहीं था तो P लाइन के ऊपर नहीं, तो P से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो PQ लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर, तो Q क्या हो गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गए। और उसी को हमने क्या बोला, अल्फा बीटा बोला। अब अल्फा बीटा इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन का इक्वेशन वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सीधा हमने Q से पी क्यू को एक्सटेंड किया पी डैश तक, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, एच के। तो आपको ये जानना होगा कि पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू, ये होना चाहिए। कंडीशन क्या है, पी से क्यू डिस्टेंस एंड पी डैश से क्यू डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। एंड पी पी डैश ए क्या है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर इतना सब डाटा सेटिस्फाई हो गया तो हम पी डैश एच के को P का क्या मानेंगे, रिफ्लेक्शन मानेंगे, क्या मानेंगे, रिफ्लेक्शन। देयरफॉर P डैश HK इज
रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x1 y1 अक्रॉस लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो ये HK P'HK PX1 Y1 का क्या है, इस लाइन के अक्रॉस क्या है, रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इमेज भी बोल सकते हैं। तो सीधा PHK इज अ इमेज ऑफ PX1 Y1 अक्रॉस द लाइन AX plus BY plus C के अक्रॉस PX1 Y1 की इमेज क्या होगी, P'HK। कंडीशन क्या होगी, Q परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है डी, सेम डिस्टेंस हम एक्सटेंड करेंगे QP। सो PQ इज इक्वल टू P'Q होना चाहिए, PQ परपेंडिकुलर टू लाइन होना चाहिए, P'Q परपेंडिकुलर टू लाइन होना चाहिए। सो P'HK इज अ इमेज ऑफ PX1 Y1, या फिर P'HK इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ PX1 Y1। तो चलो देखो, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुकी होगी। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फाइंड करने की प्रोसेस समझनी पड़ेगी, थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले थ्योरी क्या है समझो, आपके पास पॉइंट है, आपके पास लाइन है, और यहां से हम यहां क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अच्छे से देखो, जैसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव रिसिप्रोकल। तो हम इस लाइन का स्लोप है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें इस लाइन का स्लोप मिला, ये कहाँ से पास होती है ये हमें पता है, तो हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम PQ का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले PQ का क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। जैसे स्लोप मिल गया, पॉइंट तो पहले से ही था, हम PQ का क्या फाइंड करेंगे, लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे PQ का इक्वेशन मिला, इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, दोनों का इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हम Q अल्फा बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, तो अल्फा बीटा मिला, तो हमें PQ का इक्वेशन मिला है, तो हम Q अल्फा बीटा से इस लाइन के ऊपर, अच्छे से देखो, PQ अल्फा बीटा आपके पास है, तो आप क्या है, P से Q का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, जो भी हो, Q से P' का डिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही होगा। सो आप Q से P' का जो डिस्टेंस है D, अगर आपने डिस्टेंस लिया, तो आप P'HK भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, पैरामेट्रिक फॉर्म से। कहाँ से फाइंड करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म से। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, x-x1 upon cos theta इज इक्वल टू y-y1 upon sin theta इज इक्वल टू RR, मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, थीटा क्या होगा, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। जो आपको स्लोप पता चल गया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता चल जाएगा। तो देखो, इस फॉर्मुलेशन का आप यूज करोगे, तो x एंड y की वैल्यू, मतलब P'K क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे, या फिर P के कोऑर्डिनेट से, तो ये जो पूरा डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, पूरा डिस्टेंस आपको पता चल गया, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गई पूरी तरह से प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। और शॉर्टकट कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, पैरामेट्रिक फॉर्म से ही आपका क्या आता है, शॉर्टकट आता है। अच्छे से देखो क्या आया शॉर्टकट। तो चलो देखो, इमेज ऑफ PX1 Y1 अक्रॉस लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन के अक्रॉस इस पॉइंट की इमेज, यानी कि रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, ये फाइंड करेंगे, इज P' ऑफ HK एंड गिवन बाय, एंड इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, h-x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus 2 ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square। इस फॉर्मुलेशन का आप यूज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, HK यानी कि PX1 Y1 की इमेज मिलेगी, PX1 Y1 का रिफ्लेक्शन मिलेगा अक्रॉस द लाइन AX plus BY plus C।
तो चलो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको दिया क्या होगा, पॉइंट दिया होगा, आपको लाइन दी गई होगी, सो पॉइंट आपके पास होगा, लाइन आपके पास होगा, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन में पुट करो, ये डेफिनेटली जीरो नहीं आने वाला, मैंने यहाँ पे बताया है। तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी माइनस टू, यहाँ से होगा, ए बी भी आपको लाइन से मिलेंगे, एक्स वन वाई वन आपको दिया होगा, ए बी लाइन से मिलेंगे, एच एन के क्या है, इमेज है, जिसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये सभी डाटा हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा, एच के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एंड एच के क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा P का, या फिर इमेज होगी P की अक्रॉस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आती है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमने क्वेश्चंस में स्टडी किया था इससे पहले, हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड करना है, पूरी प्रोसेस हमने की थी। अब यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट भी बताने जाएंगे कि अल्फा बीटा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फा ई अल माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू, आपको पता है पी से क्यू एंड क्यू से पी डैश, ये डिस्टेंस सेम है, मतलब पी से क्यू ये डिस्टेंस अगर डी था तो ये डिस्टेंस क्या होता, टोटल डिस्टेंस टू डी होता। तो पी इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे टू आया, अब हमें यहाँ तक ही जाना है, सो यहाँ पे टू नहीं आएगा, सिर्फ माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो दोनों फॉर्मुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पी एंड पी डैश इन दोनों का डिस्टेंस, अगर इसे डी लिया तो ये पूरा डिस्टेंस टू डी था, इसलिए यहाँ पे टू आ गया, और यहाँ पे सिर्फ डी था तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आप आसानी से फॉर्मुलेशन भी याद कर सकते हो, इसे टू से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा एंड बीटा क्या होगी, एक्स वन वाई वन की इमेज होगी, और यहाँ पे टू नहीं डाला तो अल्फा एंड बीटा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफोर क्यू अल्फा बीटा आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी एक्स वन वाई वन ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये फॉर्मुलेशन और ये फॉर्मुलेशन में क्या डिफरेंस है और क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस फॉर्मुलेशन से आप किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन से रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हो या फिर उसकी इमेज फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, प्राइमरी बेस पे हम कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस जो है उनको स्टडी करेंगे। सो बेसिक फॉर्मुलेशंस को स्टडी करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो देखो, इसलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि इमेज की कॉन्सेप्ट क्या होती है, कोई भी पॉइंट से लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करो सेम डिस्टेंस से जितना पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच में था, और फिर दो एंड पॉइंट्स आएंगे तो ये इसकी इमेज होगी या फिर ये उसकी इमेज होगी, मतलब पी एक्स वन वाई वन पी डैश एच के की इमेज होगी या फिर पी डैश एच के क्या होगा, पी एक्स वन वाई वन की इमेज होगी, वहीं से वर्षा होता है। तो चलो देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ से जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया, ये जो पॉइंट है इसे मैंने क्या बोला, P ऑफ एक्स वाई या फिर P ऑफ एक्स वन वाई वन ऐसे बोला, चलो एक्स वाई बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो सिंपली आपको पता है ये डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से, ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा। तो अब हमें क्या करना है, P ऑफ एक्स वाई की इमेज फाइंड करनी है अक्रॉस एक्स एक्सिस। देखो अच्छे से, इमेज कहाँ फाइंड करनी है, अक्रॉस एक्स एक्सिस, अक्रॉस एक्स एक्सिस। तो P ऑफ एक्स वाई की इमेज हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स एक्सिस मतलब इस लाइन के ऊपर इमेज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या जाएंगे, ये डिस्टेंस क्या है, वाई, तो ये जो पॉइंट आएगा ये डिस्टेंस क्या है, एक्स, मतलब एक्स जीरो क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। सेम डिस्टेंस हम नीचे जाएंगे, कितना, ये जो जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस यहाँ नीचे जाएंगे, तो ये भी क्या होगा, वाई, लेकिन ये नीचे है मतलब ये होगा माइनस वाई, तो ये जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस वाई, मतलब पी ऑफ एक्स वाई का इमेज अक्रॉस एक्स एक्सिस क्या आ गई, एक्स माइनस वाई। सो इमेज, इमेज ऑफ पी ऑफ एक्स वाई, अच्छे से देखो, अक्रॉस एक्स एक्सिस क्या आएगी, पी डैश ऑफ एक्स माइनस वाई। सेकेंड,
अक्रॉस वाई एक्सिस। कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे मैं आपको ये जो फॉर्मुलेशन है ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझने चाहिए। तो देखो अक्रॉस क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये डिस्टेंस, ए डिस्टेंस क्या है वाई, सो ये पॉइंट क्या होगा, जीरो वाई। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो जितना डिस्टेंस होगा है उतना डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, सो ये डिस्टेंस कितना होगा या एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स जाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा एक्स, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट में, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, माइनस एक्स वाई होगा, क्या होगा, माइनस एक्स वाई। सो पी ऑफ एक्स वाई की इमेज अक्रॉस वाई एक्सिस क्या होगा, पी डैश ऑफ माइनस एक्स वाई, ये उसकी क्या होगी, इमेज होगी। कॉन्सेप्ट को समझो, सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, अब ये पी ऑफ एक्स वाई है, इसकी इमेज ओरिजिन से, सो मतलब ओरिजिन से इमेज अक्रॉस द ओरिजिन, अच्छे से देखो अक्रॉस द ओरिजिन, ये फॉर्मुलेशन आपके पास मिल रहे, लेकिन फॉर्मुलेशन कहाँ से ऑप्टेन किए, डेफिनेशन से, कॉन्सेप्ट से ऑप्टेन किए हैं। तो सभी फॉर्मुलेशन अगर आप अच्छे से समझोगे तो कोई बात आपको, कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकता। तो कॉन्सेप्ट को समझो, सो पी ऑफ एक्स वाई ये पॉइंट है, इसकी हमें इमेज फाइंड करने अक्रॉस ओरिजिन, सो हम यहाँ से ओरिजिन फाइंड करेंगे और सेम लाइन को एक्सटेंड करेंगे, अगर ये डिस्टेंस क्या है डी, तो सेम डिस्टेंस आगे जाएगा डी, तो आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, वो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। सो अक्रॉस द ओरिजिन इमेज क्या होगी, पी डैश ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई। चलो तो फिर मैंने यहां पे लाइन बना ली, चलो मैंने बोला इसे, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। सो पी ऑफ एक्स वाई की इमेज, मतलब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, सेम परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे आपको p डैश मिलेगा, सो यहाँ से इसका डिस्टेंस, सो y इज इक्वल टू एक्स क्या ला, मतलब x कोऑर्डिनेट y होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा x। सो p ऑफ एक्स वाई की इमेज अलोंग द y इज इक्वल टू x क्या होगी, p डैश ऑफ वाई एक्स, अक्रॉस द y इज इक्वल टू x क्या होगा, p डैश ऑफ y x, इस तरह से। तो देखो बेसिकली आपको यहाँ पे फोर फॉर्मुलेशन जो है आप सेम टाइप से यहाँ पे इमेज फाइंड कर सकते हो, कहाँ पे, ये जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो फिर यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इमेज फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से इमेज आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस वाई मिलेगा। तो देखो इमेज ऑफ पी ऑफ एक्स वाई अक्रॉस एक्स एक्सिस, सेम प्रोसेस से फाइंड किया, अक्रॉस वाई एक्सिस सेम प्रोसेस से फाइंड किया, अक्रॉस ओरिजिन सेम प्रोसेस से फाइंड किया, अक्रॉस वाई इज इक्वल टू एक्स सेम प्रोसेस से फाइंड किया, किसी भी लाइन के लिए, तो आपको क्या दिया है, सीधा फॉर्मुलेशन दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझो, फिर से एक बार बताता हूँ, कोई भी लाइन आपको दी होगी, कोई भी पॉइंट आपको दिया होगा, और इस पॉइंट की आपको क्या करना है, इमेज फाइंड करनी है या फिर रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से लाइन के ऊपर क्या डालोगे, परपेंडिकुलर, अगर ये डिस्टेंस क्या होगा d, तो सेम परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करोगे अदर साइड में, कितना d जितना, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो अगर ये पॉइंट p है तो ये p उसकी क्या होगी, इमेज। तो आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर पे ये दोनों पॉइंट्स आते हैं, पी से परपेंडिकुलर फुट एंड पी डैश से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे सेम, एक कॉन्सेप्ट से पी की इमेज क्या बनेगी, पी डैश बनेगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो, तो ये जो रिफ्लेक्शन या फिर इमेज का कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो देखो नेक्स्ट आर्टिकल आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। इससे पहले हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का आर्टिकल पढ़ा था, देखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का आर्टिकल पढ़ा था, आपको पता है कि अगर एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट से एंड एक्स डैश वाई डैश आपके न्यू कोऑर्डिनेट से, सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, वेर एच के इज अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम 0 0 टू एच के। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी हो चुकी है, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, देखो ये आपका x एक्सिस है ओरिजिन, ये आपका क्या है y एक्सिस है, ओके। सो हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस।
चलो ये आपकी ओरिजिनल प्रोसेस है, एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई क्या है वर्टिकल है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों एक्सिस को रोटेट किया। यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा वाई। अब देखो मैंने क्या किया, सीधा एक्स को रोटेट किया थीटा डिग्री से, तो वाई को भी रोटेट किया थीटा डिग्री से। तो रोटेट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपका आ गया न्यू एक्सिस एक्स डैश और ये आपका आ गया न्यू एक्सिस वाई डैश, ये आ गया आपका वाई डैश। तो एक्स रोटेट किया कितना डिग्री से, देखो एक्स एक्सिस थीटा डिग्री से रोटेट किया, सिमिलरली वाई एक्सिस भी कितना रोटेट किया थीटा डिग्री से। तो अब P ऑफ एक्स वाई के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहले क्या था P ऑफ एक्स वाई, जब X हॉरिजॉन्टल एंड Y वर्टिकल था तब कोऑर्डिनेट्स क्या थे, P ऑफ एक्स वाई मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छे से देखो P ऑफ एक्स वाई आपके क्या होंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड हमें क्या फाइंड करने हैं, न्यू। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, X एंड Y। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो उस पॉइंट से हम न्यू कोऑर्डिनेट्स पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से भी न्यू कोऑर्डिनेट्स पे यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा एक्स डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स में, और ये होगा वाई डैश। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो अच्छे से देखो, अगर ये रोटेट हुआ है थीटा से तो डेफिनेटली आप देख सकते हो ये पहला था अब यहाँ पे हो गया, ये पहला था यहाँ पे हो गया, तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा थीटा, क्या होगा थीटा। तो y x डैश कहाँ पे आता है, अपोजिट साइड पे, एंड y डैश कहाँ पे आता है, एडजेसेंट साइड पे। तो चलो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो चलो देखो आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कितनी अच्छी है ये डिपेंड करेगा, ए एंगल और ए एंगल सेम होगा, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश। पी ऑफ एक्स वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छे से देखो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नहीं हुआ है, तो पूरा एक्सिस ही क्या होगा रोटेट, पहले ऐसा था अब एक्स एक्सिस रोटेट हो गया वाई एक्सिस भी रोटेट हो गया, तो थोड़ा सा क्रॉस्ड हो गया। तो एक्स वाई आपके क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, एंड एक्स डैश वाई डैश आपके क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स है ड्यू टू रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय एंगल थीटा। नाउ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, नाउ एक्सिस आर रोटेट बाय एंगल थीटा। आपके जो एक्सिस है वो क्या हो गए, एंगल थीटा से रोटेट हो गए। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या थे एक्स वाई, अब न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स डैश। तो एक्स डैश कैसे पेंट करेंगे, अच्छे से देखो एक्स कॉस थीटा इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये आ गया आपका न्यू कोऑर्डिनेट्स, एंड वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन थीटा मतलब माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y cos थीटा, इस तरह से आपका क्या आएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो फॉर्मुलेशन है, इस फॉर्मुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया था चार्ट, तो आप इस चार्ट को भी याद रख सकते हो, यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट्स, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो कैसे लिखेंगे, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इज इक्वल टू x माइनस sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये आपके आ गए न्यू कोऑर्डिनेट्स आफ्टर द रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय एंगल थीटा। आपने x को भी थीटा से रोटेट किया, y को भी थीटा से रोटेट किया, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट जो p ऑफ एक्स वाई थे वो अब चेंज्ड होंगे, और चेंज होके वो क्या आएंगे, x डैश y डैश आएंगे। सो x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड y डैश इज इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इस तरह से आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, किसी भी लाइन के एक्रॉस पॉइंट की इमेज या फिर रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करना है, और अगर एक्सिस चेंज्ड हो गए तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्सिस रोटेट हो गए तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।